मध्य प्रदेश मुरैना में सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुरैना के नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजीत यादव द्वारा अवैध हथियार तस्कर एवं शराब तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2019 के होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक लाभ लेने के लालच में बड़ी मात्रा में शराब तस्करी के लिए नाना हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में एम्बुलेंस से शराब की 48 पेटी जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस रायरू से जोरी गांव के लिए आ रहा था। देखिए, जैसे आप लोगों को विदित है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और पूरे जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसी को देखते हुए हर तरफ से जो है पुलिस एक्टिव है और कार्रवाई कर रही है। तो जो शराब तस्कर हैं वो भी अपना नया हथकंडा अप्लाई कर रहे हैं और सामान्यतः ऐसा होता है कि जो चेकिंग दस्ते लगे होते हैं, चाहे वो एसएसटी टीम हो, एफएसटी टीम हो या कि पुलिस की नाकाबंदी टीम हो, वो एम्बुलेंस को और बुजुर्गों को इनको सामान्यतः नहीं रोकती है और इसी का फायदा ये तस्कर उठा रहे हैं। और इन्होंने एक एम्बुलेंस गाड़ी में 48 पेटी शराब, देसी शराब लेकर के जा रहे थे ताकि पुलिस की नज़र से बच सके।